बना लिया। हमारे पूर्व जब लाले मेरे दादाजी 18 साल सरपंच रहे मेरे, उस टाइम के लाले प्लस टू पास थे बर सिंह। जब हमारे दादाजी लाले आज से 100 साल पहले प्लस टू पास है, इसका मतलब लाले हम अनपढ़ रह के हुए, पूरे पढ़े लिखे लोग हैं। हमारा बेटा कोई IAS है, IPS है, STM है, तहसीलदार है, इंस्पेक्टर है, या इसका मतलब हमारे को ये नहीं बताते इन कानूनों में क्या लिख रखा है क्या नहीं लिख रखा है। ये काले कानून है सफ़ेद कानून है, बिल्कुल तीनों के तीन कानून बिल्कुल काले हैं। और तोमर साहब क्या कहे हैं, बोले पता को नहीं। अरे हमने एक एक पॉइंट का पता है, इस का उत्तर ये है, इस प्रश्न का उत्तर ये है, ये अड़ा काला कानून है, ये अड़ा सफ़ेद कानून है, हैं बोले इन्हें ज्ञाने को नहीं। इसका मतलब सारे इनको किसान मजदूर को इन्हें अनपढ़ समझ लिया, भाई ये तीन कानून नहीं पढ़ सकते, इसका मतलब तो ये पढ़े लिखे हैं। बात यह है भाई, भैंस का क्या बीन बजानी पड़ रही है, वोट हमारा भी है, हमें ये नहीं देखते किस आदमी को MP बना रहे हैं, किस आदमी को विधायक बना रहे हैं। एक आदमी उदी का था अनपढ़ आदमी MLA और पढ़ा लिखा ना, फिर ये कहें ये तो बोंदू है, बोले जानते को नहीं, ये तो पागल है। गलती हमारी, हमने ये देखना चाहिए हमारा विधायक कितना कितनी पढ़ाई कर रहा है, हमारा MP कितनी पढ़ाई कर रहा है। आप तो यू देख लिया बाकी यू फलाना का बेटा है, फलाना का पोता है, और इसी बना दो यू अपना भला करेगा, भला करनी है समाजिक कहाँ है, सामाजिक आदमी को चुनो जो समाज का भला करते हैं, जो समाज का दुख सुख का सीरियो। आने वाले समय में जैसे जैसे किसान आंदोलन बढ़ता है, किसान आंदोलन का जो प्रभाव है आने वाले समय में राजनीति, देखो राजनीति में पूरा प्रभाव पड़ेगा। जिस आदमी ने किसानों के साथ खिलवाड़ किया है, किसानों की अनदेखी की है, उसी आदमी ने लले खामियाजा भुगतना पड़ता है। चौधरी बंसीलाल ने किसान यूनियन के साथ खिलवाड़ किया था, वो जुआनी डिस्ट्रिक्ट में गांव था लले मेरे सतनाली में, वहाँ किसान मरवाए थे, लोग नू कह गए बंसीलाल अच्छा आदमी है, बंसीलाल का एडी है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बिल माफी के तौर पर लले कहा था हम बिल माफी करेंगे, बिल माफी नहीं करी। यहाँ कंडाला कांड में 14 किसान मरे, 14 किसान मरने के बाद अटके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी बात अटके मुख्यमंत्री नहीं बने। किसानों की अनदेखी किसी भी आदमी ने करी है नहीं, पहले उसकी भुगत्या है और भुगतेगा, या व्यर्थ नहीं जाएगी। यह आंदोलन चल रहा नहीं, ये किसानों का व्यर्थ नहीं जाएगा। जो लोग आज लेले उसमें सत्ता में बैठे हैं और इन लोगों के साथ जाति कर रही है, उनने इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा, पक्का भुगतना पड़ेगा। कदे उन्हें सोचते नहीं आगे, ये तो मूर्ख बैठे हैं, मूर्ख नहीं है। चौधरी बंसीलाल ने, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने तो केवल किसानों से खिलवाड़ किया था, यहाँ मजदूर से भी खिलवाड़ हो रहा है, गरीब आदमी से भी। अब यहाँ केवल किसान किसान नहीं है, यहाँ मजदूर भी बैठा हुआ है। तीनों कानूनों का मजदूरों से क्या लिंक है? हाँ जी हाँ, छोटे भाई बहुत बड़ा लिंक है। ऐसा है, मैं 1 किला का 2 किले 5 किले जो मेरे दादा लाई है नहीं, उनमें तो मैं मेरी सब्जी भी बोलूंगा, कनक भी बोलूंगा, मेरा घर खर्चा खतर मेरा घर। हाँ, मजदूर पे इन कानूनों का इतना बुरा असर पड़ेगा, किसान ने तो लूटना पड़ा हीगा। जो ये है अंडानी अंबानी या तंबू है गार्डन लाए गए नहीं, ये लोग इनमें नाज फिट होने के बाद जो मजदूर आज कणक 20 रुपये किलो ले रहा है नहीं, वह कणक उसको 100 रुपये और 200 रुपये किलो मिलेगी। जो जमींदार पैता आज 5 रुपये 7 रुपये गाजर मूली प्याज, जब जमींदार का वह है मजदूर जो खेती जमीन नहीं है जिस पर वो ले रहा है नहीं, उसको जब 100 रुपये 60 रुपये 70 रुपये किलो मिलेगी नहीं, जमींदार से भी पहले इन कानूनों में मजदूर मरेगा। ठीक है, आम समाज को यह संदेश है। पहली बात तो हमारे जो मोदी जी हैं प्रधानमंत्री हमारे देश के, उनसे ये रिक्वेस्ट है मेरी, वे इनकी भोले भाले तो कहे हैं, वह भोला भाला आदमी की सुनवाई कर लेनी, परमात्मा उसको बड़ी दुआ देगा, वो तरक्की करेगा। इन भोले भाला की सुनवाई कर ले, ये तो लहले 2.5 महीने हो गए सड़क में बैठे हैं, इनकी खेती बाड़ी सारी उजड़ दी है, लहले सूख लिए, पानी दे नहीं पाते, खाद दवाई नहीं दे पाते। इसलिए मेरी प्रधानमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट है, इनकी दुकान वापिस ले ले, और भाई ये अपना घर जाए कहने को, अपनी महस की धार काटागा, को खेती करागा, को अपने पोता पोतिया ने खिलावागा, इनके साथ अड़े खिलवाड़ नहीं करें। भाई ये कड़क की धूप में सर्दी में यहाँ धूप में अड़े बैठे हैं, यह रिक्वेस्ट है। ठीक है, धन्यवाद।